हम तो मांग कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करना अलग, मांग नहीं होती है, आप दीदी करना रिक्वेस्ट करना अलग चीज होती है। दीदी दीदी क्या सुनता मुझे, जिलाधिकारी बोलो। ठीक है जिलाधिकारी, दीदी यह तो आप मांग किए दीदी हमने आपसे। दीदी ये मांग क्या करिए, धरना क्या धरना करोगे, बाकी मुकदमे जो आपने भूल गए सब कहानी। जी दीदी जो मुकदमे तुम पे भूल गए सब कहानी। दीदी सब राजनीति मुकदमे और काम जो है तुम्हारे, सब इतने सारी चीजें पेंडिंग है धरने भरने के, तो तुम कोरोना चल रहा है, कर्फ्यू चल रहा है, धरने की बात कर, 5 लोगों का तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं खुला है ऑनलाइन, एक दिन में 50 लोगों को वैक्सीन लगनी है क्या जगह पे। नहीं दीदी पहले से लिया हुआ ना, एक महीने पहले रजिस्ट्रेशन हो गया था ऑनलाइन, एक महीने पहले वाला रजिस्ट्रेशन वैध नहीं है। अच्छा शामली की जिलाधिकारी महोदया जसजीत कौर की राष्ट्रीय ब्राह्मण योजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भृगवंशी आशुतोष पांडे की बातचीत की रिकॉर्डिंग है, जिसका उन्होंने लोगों को भेजकर जिलाधिकारी के द्वारा की गई बातचीत पर अपनी आपत्ति जताई है। नमस्कार, मैं विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गाँव की गूंज दिल्ली तक। यह राम राज है और शायद भृगवंशु आशुतोष पांडे यह भूल गए कि उनके खिलाफ पहले में दर्ज मुकदमे को खुलवाने का मादा यह जिलाधिकारी महोदया रखती हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जिला शामली इनके अपने राज में आता है, यहाँ की मुखिया और मालकिन यही है। तो आशुतोष जी को ऐसी मांगे नहीं करनी चाहिए थी कि लोगों की वैक्सीन की ज़रूरत हो, लोगों की वैक्सीन इनके एरिया लगाई जाए, ना कि जसाला में। जाहिर सी बात है जिलाधिकारी महोदया के अपने हेल्थ प्लानिंग में शामिल होगा कि इनको कहाँ और कितनी वैक्सीन देनी है, वो अलग बात है कि महीने भर से रजिस्ट्रेशन कर इंतज़ार करते हुए लोगों को सिर्फ ठेंगा दिखा दिया गया है, उनके रजिस्ट्रेशन को अवैध करार करके। जाहिर सी बात है यह जनता के साथ एक मजाक है और इस मजाक को खोलने का जो साहस भृगवंशी आशुतोष पांडे ने किया है उसकी हम तारीफ करते हैं। यह यूपी है, यहाँ ब्राह्मणों की कम सुनी जाती है, शायद यह भृगवंशी आशुतोष पांडे जी को एहसास नहीं होगा, लेकिन डीएम साहिबा को एक बार ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह लोगों की तकलीफ से जुड़ा हुआ मामला है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह प्रयास जरूर करेंगी, भले ही 8-9 तारीख तक इसकी व्यवस्था हो जाए वो करेंगी, लेकिन सख्त आदेश के साथ कि ऐसा पत्र, इस तरीके की कोई मांग दोबारा उनके साथ ना कर पाए कोई। ताहक है या कुछ और, आप खुद ही देखिए, सुनिए क्या है पूरी बातचीत। नाम बताइए, क्या क्या नाम? दीदी हम ये कह रहे थे दीदी, पूरे जिले में सब नगरों का नाम दिया गया है, केवल हाँ। कांडला का नाम सीएमओ साहब ने काट के दिसाला लगा दिया है, हाँ। जिससे दीदी पूरे सबको परेशानी हो जाएगी, दिसाला कैसे इतने लोग जाएंगे। दीदी तो क्या रजिस्ट्रेशन करा लिया इतने लोगों ने? दीदी सबने ऑनलाइन करा रखा है, कम से कम यहाँ कांडला के आप चेक कर सकते हैं, कम से कम 500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। दीदी 500 लोगों का तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं खुला है ऑनलाइन, एक दिन में 50 लोगों को वैक्सीन लगनी है क्या एक जगह पे? नहीं दीदी पहले से लिया हुआ ना, एक महीने पहले रजिस्ट्रेशन हो गया था ऑनलाइन, एक महीने पहले वाला रजिस्ट्रेशन वैध नहीं है। अच्छा जी, मैं अभी चेक करवाती हूँ जरा, अभी कल खुला था, केवल उतना ही होना है। कांडला में करा देंगे, बात समझ में आती है। धरना वरना क्या लिखा है आपने? दीदी यह तो आप मांग किए दीदी हमने आपसे। दीदी ये मांग क्या करिए, धरना क्या धरना करोगे, बाकी मुकदमे जो आपने भूल गए सब कहानी। जी दीदी जो मुकदमे तुम पे भूल गए सब कहानी। दीदी सब राजनीति मुकदमे और काम जो है तुम्हारे, सब इतने सारी चीजें पेंडिंग है धरने भरने के, तो तुम कोरोना चल रहा है, कर्फ्यू चल रहा है, धरने की बात कर रहे हो। नहीं दीदी हम तो मांग कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करना अलग, मांग नहीं होती है, आप दीदी रिक्वेस्ट करना अलग चीज होती है। दीदी दीदी क्या सुनता मुझे, जिलाधिकारी बोलो। ठीक है जिलाधिकारी महोदय, हाँ समझे, जितनी वैक्सीन हो सेंटर बनेंगे, अगर आपका छूट गया आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं प्रयास कर सकती हूँ, अब नहीं होगा तो अगले हफ्ते हो जाएगा, क्योंकि अभी तो बहुत लंबा वैक्सीनेशन चलना है, ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं दीदी, हम तो जिलाधिकारी महोदय हम तो आपसे निवेदन ही कर रहे हैं, हमने मांगी तो की है ना कि 2 दिन में आप करा ये किया, हमने तो 2 दिन में करने वाले क्या बात हुई भाई, 2 दिन में करा देंगे, कौन सी बात हुई? अब मान्य ये बताइए, आप पूरे जिले में नगर का नाम कर गया है, आप मुझे अल्टीमेटम दोगे कि 2 दिन? नहीं नहीं, आप अल्टीमेटम कैसे दे सकते हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं जिले में, हम तो आपकी तारीफ करते हैं। अच्छे काम के हिसाब से आपने भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, नहीं आपके लिए नहीं किया। आपका कस्बा छूट गया, बात सुनो, अगर आपका कस्बा छूट गया है ठीक है, उसको देख लेते हैं, और ये स्लॉट पहले से बन जाते हैं, ऊपर से तय हो जाते हैं। अच्छा, अगर अभी नहीं हो पा रहा तो कल 1 तारीख की जगह 8 तारीख से हो जाएगा, इसमें भी परेशानी वाली बात क्या है, 2 दिन का समय देते हैं, 2 दिन का समय देते क्या होता है? नहीं आपके लिए नहीं लिखा मान्य, और हमने जिला सीएमओ महोदय ने किया ना जी, तो हमने आपसे मांग की है कि उन्होंने ऐसा किया है कि सीएमओ महोदय ने पत्र जारी कर दिया, कांडला का नाम काट दिया, खाली कांडला का नाम कटा है जी। देखो फिर वही बात कर रहे हो, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है हम आपसे मांग करते हैं, आप हमें आश्वासन दे दीजिए, हम उसको जारी कर देंगे जी। कौन सा आश्वासन दे दूं मैं आपको, क्यों दे दूं मैं आपको आश्वासन,
ठीक है जी, कोई बात नहीं। मैंने आपको ओरली बता दिया कि मैं भी कोशिश कर लेती हूँ, बन जाएगा ठीक है, नहीं तो 8 तारीख में हो जाएगा। इस तरह की लेटर दोबारा मत लिखिएगा मुझे, समझ में आया? ठीक है जी, धन्यवाद।